कंकरियाँ। मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी कंकरियों की पहाड़ी है। इसके बावजूद कंकरियाँ चुनने में खासी देर लग रही थी। जब किसी चीज़ की बहुतात हो तो इंसान चुनाव पर माइल हो जाता है। ज़ायरीन साइज़ के एहसास से कंकरियाँ चुन रहे थे, बड़ी ना हों, गोल हों, एक सी हों। पता नहीं क्यों किसी अनजानी ख्वाहिश के तहत मैं बहुत छोटी कंकरियाँ चुनने में मसरूफ़ था। शायद इसलिए कि बहुत छोटी और एक सी कंकरियाँ चुनने में बहुत वक्त दरकार था, और यूँ बच्चों की तरह बंटे इकट्ठे करने में मैं अपने आप को मसरूफ रखने का बहाना बना लिया था। या शायद मैं ज़्यादा बोझ उठाने की खौफ से अपने आप को बचा रहा था। या शायद इस वजह से हो कि मैं शैतान को ज़्यादा ईज़ा पहुँचाने से गुरेज कर रहा था। शायद इसलिए कि माजी में हमारा गहरा याराना था और अब मैं किस मुँह से उसे पत्थर मारता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उस फाहिशा औरत को पहला पत्थर वो मारे जिसने ज़िंदगी में कभी गुनाह न किया हो। शायद ये बात मेरे लाशऊर में कांटा बनकर लगी हो, या शायद इसकी वजह ये हो कि मुझे एहसास था कि शैतान कितना मुंतकिम वाकई हुआ है और मुझ पर उसके इंतकाम का खौफ तारी था। एक रोज़ हरम शरीफ में बैठे हुए मैंने कुदरत से कहा, यहाँ हाजिरी देने के कोई असरात मुरतब नहीं हुए, क्या ये मेरी ना अहलियत की वजह से है?